नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। विश्वास, आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महापर्व है कुंभ। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है और इसे लेकर श्रद्धालु काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कुंभ मेला इस बार हरिद्वार में आयोजित किया गया है। हरिद्वार में कुंभ मेला अब 28 दिन का होगा। साधु संतों से बातचीत के बाद प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। जल्द ही कुंभ मेले की अधिसूचना जारी की जाएगी। उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के संबंध में आदेश दिए थे। राज्य सरकार को कुंभ की अवधि सीमित करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में साधु संतों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। जो जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो परमानेंट वाली हों चाहे टेम्पररी वाली हों, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें परमानेंट वाली तो पहले ही की जा चुकी हैं। इनमें सारे घाट हमारे बन चुके हैं, हमारा आस्था पथ बन चुका है, जो पक्के टॉयलेट्स बनने थे स्थायी रूप से वो बन चुके हैं, ब्रिजेस का काम हो चुका है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम एक सेक्टर के जो हमारी एक थाना है रोड़ी वाला, उसके अंदर हम खड़े हैं। तो यहाँ पे टिपिकली जो सेटअप होता है टेंट्स का, वो आपने देखा अभी यहाँ पे। और इस बार जो SOPs आई हैं, जैसा भी आपने कहा कि कोविड के बीचों बीच एक तरह का एक मास गैदरिंग जो हो रही है, तो उसमें ये भी अनिवार्य है कि जो हमारी कटिंग एज पे हमारी मैन पावर होगी, कटिंग एज पे जो फोर्स होगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, उनका वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। वैक्सीनेशन के उपरांत ही मेले में वो लोग ड्यूटी कर पाएंगे। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उसमें जो जनरल SOPs भारत सरकार से आई हैं, वो ये है कि 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और हमारा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये महामारी के बीच में हो रहा है, तो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये बहुत आवश्यक। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान RO पेयजल, अस्पताल, कैंटीन और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान की जाएंगी। तीर्थ यात्रियों को कई अस्थायी और स्थायी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस बार का जो कुंभ है, ये नई परिस्थितियों में, क्योंकि अभी कोरोना का क्या करवट लेगा, भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, ये अभी पूरी तरह से मतलब स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा कुंभ से रिलेटेड, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यद्यपि हरिद्वार क्योंकि बहुत ही देखा जाए सर्कुलेशन एरिया बहुत ही लिमिटेड है, तो ऐसे में क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, टास्क रहता है पुलिसिंग के लिहाज से। लेकिन उसके ऊपर जो कोरोना के कारण पैंडेमिक की वजह से जो परिस्थितियाँ नहीं आई है, वो एक अलग तरह का चैलेंज है, और जिस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी है। और जो सुरक्षित कुंभ का जो संकल्प राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, उसको उसकी पूर्ति की दिशा में हम सभी लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि कुंभ मेले को लेकर जरूरी गाइडलाइंस क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कुंभ में स्नान के लिए आ रहे सभी श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट साथ में लाना जरूरी है। गाइडलाइन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को महाकुंभ में नहीं आने की अपील की गई है। कुंभ के दौरान 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन जैसे सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कुंभ मेले के दौरान कोई प्रदर्शनी, मेला या प्रार्थना सभा का आयोजन भी नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।